हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक्ड बाय यशी। आज मैं शेयर कर रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा पाव भाजी अब घर पे। अगर आपके बच्चे सब्जियाँ खाना नहीं पसंद करते हैं तो ये रेसिपी उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि ये होममेड के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें इंक्लूडेड है बहुत सारी वेजिटेबल्स। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए पाव भाजी में और क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करी हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं बच्चों के लिए। जैसे कि बच्चे आपके बीट्स नहीं खाते हैं, तो ये आपका बहुत प्लस पॉइंट है कि आप बच्चों को बीट्स भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके खिला सकते हो। और एक प्लस पॉइंट है जो कि एनर्जी से भरपूर है, ये है गाजर। गाजर जो कि बच्चे खाना नॉर्मली पसंद नहीं करते हैं, बट आप अगर उन्हें पाव भाजी दे देंगे तो बहुत ज़्यादा चाव से खाते हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आप होममेड बना रहे हैं तो आप जितने ज़्यादा वेजीज ऐड कर सकते हो आप ऐड कर लो। ये देखिए, एक कटोरी यहाँ पे हमने शिमला को भी अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च भी बच्चे खाना नहीं पसंद करते, सब्जियों से साइड कर देते हैं, सो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। फिर यहाँ पे हमने लिया है 4 से 5 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके। आलू और गोभी लिया है हमने साथ में। साथ ही यहाँ पे हमने लिया है टोमेटो बिल्कुल बारीक चॉप करके, और उसके साथ ही हमने लिए हैं मटर। मटर यहाँ पे मेरे पास फ्रोजन मटर अवेलेबल है, तो मैंने यहाँ पे फ्रोजन वाले लिए। आपके पास अगर नॉर्मल हरी मटर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो। चलिए चलिए अब इसी रेसिपी को स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले ना हमें एक कुकर ले लेना है। कुकर में हमें 1 चम्मच ऑयल या फिर बटर अवेलेबल है तो आप बटर को भी ऐड कर सकते हो। मैंने नॉर्मली यहाँ पे 1 चम्मच तेल ऐड किया है, और उसके साथ ही हम यहाँ पे एक एक करके सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। पाव भाजी में आप चाहें तो और एक्स्ट्रा सब्जियां जैसे कि बीन्स हो गई, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा हेल्थी चाहिए, आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं, तो आप इसमें एक्स्ट्रा सब्जी वेज जो भी होता है आप वो ऐड कर सकते हो। हमने यहाँ पे लिया है आलू, गोभी, गाजर और बीट, और साथ ही हमने लिया है शिमला मिर्च और हरी मटर। इन सारी चीज़ों की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सारी सब्जियों को डालने के बाद है ना, हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिसकी वजह से जल्दी पक जाए, काफ़ी टाइम ना ले। अब आपस में नमक को सारी सब्जियों में मिक्स कर देंगे। एक बार नमक अच्छे से मिक्स हो जाए ना सब्जियों में, तो हमें इसे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, और फिर उसमें हमें ऐड कर देना है 1.5 ग्लास के तकरीबन पानी। 1.5 ग्लास पानी ऐड करेंगे, और आप यहाँ पे चेक कर सकते हो 1 उंगली के बराबर पानी रहना चाहिए ऊपर थोड़ा सा। उसके बाद अब कुकर पे लगाते हैं सीटी। इसे हम छोड़ देंगे ढक करके अच्छे से 2 सीटी आने तक। चलिए 2 सीटी आने तक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 सीटियाँ आ चुकी हैं। 2 सीटी से 3 सीटी अगर आपको लग रहा है 3 सीटी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप 3 सीटी भी लगा सकते हो। अभी वेजिटेबल्स आप देख रहे हो उबलते पानी में किस तरह से अच्छे से पक चुकी है, और गाजर और बीट से ऐड करें तो पानी में कलर भी आ रहा है। अच्छा चलिए, अभी इसका ना जो नेक्स्ट स्टेप है वो पाव भाजी का जो मेन है वो बना लेते हैं। सब्जियों को हमें पहले बॉयल कर लेना है। सिर्फ सब्जियां हमें बॉयल करनी है कुकर में सीटी लगा करके। शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर हमें साइड में रखना है, ये मेन स्टेप्स होते हैं पाव भाजी के। तो आप यहाँ पे स्टेप्स देख लीजिए। 2 बड़े चम्मच चाहिए हमें बटर, 2 बड़े चम्मच चाहिए हमें ऑयल। दोनों चीज़ों को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक चॉप किए हुए प्याज, साथ ही जाएंगे 4 से 5 हरी मिर्च। मिर्ची की क्वांटिटी आपको जितना ज़्यादा पसंद है उतना ऐड कर लें। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका एक्स्ट्रा पानी ना मर जाए और ये अच्छे से सॉटी ना हो जाए।
प्याज सॉर्ट होने के बाद इसमें हम टोमेटो ऐड करेंगे, साथ ही इसमें बारीक चॉप किए हुए शिमला मिर्च जो रखे थे वो भी हम ऐड कर देंगे। उसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच, जिससे कि टमाटर गल जाए। और साथ ही यहाँ पे इसे स्टेप पे ऐड कर देने हैं 2 पैकेट पाव भाजी मसाला, पैकेट वाला नहीं है, नॉर्मल मसाला है, तो आप यहाँ पे 2 चम्मच पाव भाजी मसाला का यूज़ करें। अब जो कि यहाँ पे हमने नमक ऐड करा है सो देट ये जल्दी से पक जाएगा, तो अच्छे से ना इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ढक करके भी छोड़ सकते हो 5 मिनट के लिए, या फिर आप चाहो तो ओपनली इसे ऐसे छोड़ सकते हो 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं तेल बटर कैसे ऊपर आया है इसमें और सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से मेल्ट हो गई हैं। अब इसी स्टेप पे फिर हमें जितनी भाजी हमने बॉईल करी थी वो सारी ऐड कर देनी है। अब एक मैशर की हेल्प से इस सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी आपको सब्जियों को मैश करने के लिए ना कम से कम 5 से 7 मिनट जाएगा, क्योंकि वेजीज को हमें पूरी तरह से मैश करना है, थोड़े भी खड़े पीसेस नहीं रहना चाहिए। और पाव भाजी जितना ज़्यादा मैशी हो उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मुझे 5 से 7 मिनट लगे और हाथों में थोड़ी ताकत भी ले लेना गाइस, क्योंकि सारी सब्जियों को मैश करते करते हाथ में पेन होने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ये भाजी अच्छे से मैश हो चुकी है। हाई फ्लेम पे एक बार और इसे अच्छे से पका लेंगे और ऊपर से इसमें डाल देंगे हम हरी धनिया पत्ती और बस अच्छे से मिक्स करके इसे हम रख देंगे साइड में। तो ये स्ट्रीट स्टाइल वाली या फिर आप रेस्टो में जो आप पाव भाजी खाने जाते हैं, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेट खाने जाते हैं, होममेड तरीके से बनाए बच्चों को भी पसंद आएगी। और इसमें प्लस पॉइंट है कि आप इसमें बहुत सारी वेजीज ऐड कर सकते हो, जो बच्चे नहीं खाते वो भी खाएंगे। तो पाव भाजी को हमने रखा साइड में और अब यहाँ पर हम रेडी कर लेते हैं पाव भाजी के पाव को। भाजी तो बन चुकी है, अभी तवे पे हम 1 चम्मच बटर को मेल्ट करेंगे, उसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती और 1 चम्मच डालेंगे भाजी का मसाला। अभी हम घर पे बना रहे हैं, स्ट्रीट स्टाइल का टेस्ट चाहिए तो सेम टू सेम तो बनाना ही पड़ेगा। बस बीच से पाव को कट कर लें और इस तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम करके अच्छे से सेक लें। देखो आप पाव भाजी बना रहे हो ना तो तेल का यूज़ ना करें, बटर में ही बनाएं तो ही पाव भाजी का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे कंपलसरी नहीं कि आपको बटर में ही बनाना है, बट अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए तो बटर का यूज़ करें। चलिए यहाँ पे देखिए पाव को भी हमने अच्छे से सेक लिया, अब इसे सर्व कर लेंगे मस्त नींबू बारीक चॉप किया प्याज और अच्छे से इसे प्लेट में सर्व करेंगे। फिर इसके ऊपर से भी एक अच्छी सी गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती और लास्ट में इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ा सा बटर। ये रहा स्ट्रीट स्टाइल को टक्कर देने वाला होममेड काफ़ी ज़्यादा हेल्थी टेस्टी सा पाव भाजी बनकर तैयार है। अब अगर बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली ये वेजिटेबल से भरपूर रेसिपी तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक देना ना भूलें। मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय।